हाल ही में बॉलीवुड में कुछ सितारों ने अपने करियर के पीक में होने के बावजूद इतनी यंग एज में ही हम सब का साथ छोड़ दिया, पर इन सब की मौत की वजह एक ही थी, हार्ट अटैक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये हार्ट अटैक होता क्या है और क्यों इंडिया में इतनी यंग एज में ही हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है। तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शायद ये वीडियो के जरिए आपकी किसी अपने की ही जान बच सके। हार्ट अटैक एक तरह की ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें जो आर्टरीज हमारे हार्ट की तरफ ब्लड पंप करती हैं उसका ब्लड फ्लो पार्शियली या पूरी तरह से बंद हो जाता है और हमारा हार्ट बॉडी में सही तरह से ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इंसानों की मौत तक हो जाती है। पर इंडिया में ही क्यों इतने ज्यादा यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है? 2009 में हुई एक स्टडी में ये बताया गया कि सिर्फ इंडिया में ही हर दिन 900 से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट फेलियर की वजह से हो जाती है, वो भी उन लोगों की जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। पर ज्यादातर इंडियन यही सोचते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है और यंग एज वालों में नहीं, और इसलिए जवान लोग हार्ट अटैक के अर्ली सिम्टम्स को ही नजरअंदाज कर देते हैं और अपने आप को मौत के मुंह के और करीब ले जाते हैं। कुछ हार्ट अटैक्स के अर्ली सिम्टम जिनको अगर सही वक्त पर पहचान लिया जाए तो शायद किसी की भी जान बचाई जा सकती है। अगर आपको या आपके किसी करीबी को इनमें से कोई सिम्टम महसूस होते हों, जैसे चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होना, साथ ही में चक्कर या उल्टी आना, जबड़े में तेज दर्द, गर्दन में और पीठ में दर्द के लक्षण और हाथ में दर्द होना या सांस लेने में तकलीफ होना, तो फौरन ही अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और तो और एक स्टडी में ये भी बताया गया कि इंडियंस लोगों को हार्ट अटैक दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में 8 से 10 साल पहले होता है। पर इसके पीछे की वजह क्या है कि इंडियंस लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क दूसरी कंट्री के तुलना में ज्यादा होता है? तो ये सिर्फ 4 रीजन की वजह से होता है। पहला रीजन है स्ट्रेस। एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में 74% पॉपुलेशन स्ट्रेस से और 88% एंजाइटी से पीड़ित है, और 2020 की statista.com की रिपोर्ट के हिसाब से लीडिंग रीजन जिनकी वजह से इंडियन स्ट्रेस लेते हैं, जिनमें से COVID-19 या फिर अदर हेल्थ इश्यू से डर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे कॉमन रीजन पाया गया स्ट्रेस का। पर यही नहीं, यंग इंडियंस में पढ़ाई करियर को लेकर स्ट्रेस भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है कम उम्र में हार्ट अटैक के। सेकेंड इम्पोर्टेंट रीजन है डाइट। इंडियंस का डाइट ट्रेंड मेन कारण है उनके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाने में। एक स्टडी के हिसाब से एवरेज अर्बन सिटी में रहने वाले इंडियन डेली 30% ऑफ कैलोरी प्रोसेस फूड से लेते हैं, और क्योंकि प्रोसेस फूड में सोडियम और सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है और उनमें फाइबर और विटामिन्स की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर असर डालते हैं। और तो और इंडियन यंगस्टर के बीच बाहर का खाना खाने का चलन बढ़ता ही जा रहा है, और एक आर्टिकल के हिसाब से बाहर के खाने में ऑयल को बार बार रीयूज किया जाता है, जिससे बॉडी में LDL और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होते हैं। और तो और इंडियन डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और ये सब मेन वजहों में से एक है हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाने में। और इंडिया में एक्सरसाइज और वर्कआउट बहुत बड़ा रोल अदा करता है हार्ट डिजीज के बढ़ते रिस्क का, क्योंकि इंडिया में लोग दो हिस्सों में बटे हैं, या लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या फिर एकदम फिटनेस फ्रीक बने फिरते हैं और हर चीज हद से ज्यादा भी नुकसानदायक है। वर्कआउट को हद से ज्यादा करना और बिना प्रॉपर नॉलेज के ट्रेनिंग करना भी आपको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के इश्यू की तरफ ढकेल रहा है। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा कि लोग वर्कआउट करते वक्त या फिर जिम के अंदर ही कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। एक स्टडी के हिसाब से हद से ज्यादा एक्सरसाइज से हार्ट में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, जो कि कार्डियक अरेस्ट का रिस्क तक बढ़ा देता है। पर यही नहीं, जिम के अंदर बिना कोई नॉलेज के स्टेरॉइड यूज और प्री वर्कआउट के एक्सेस यूज भी आपके दिल को कमजोर कर रहा है, क्योंकि जिम्स के प्री वर्कआउट में मेन इंग्रेडिएंट कैफीन होता है और एक एवरेज प्री वर्कआउट सर्विंग में लगभग 250 mg कैफीन पाया जाता है, और कैफीन कंजम्पशन की पूरे दिन की लिमिट सिर्फ 400 mg की है। और जो लोग जिम में ज्यादा एनर्जी या फोकस के लिए एक से ज्यादा सर्विंग लेने लगते हैं, वो शायद अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से इतनी ज्यादा मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड कैफीन कंज्यूम करने से चेस्ट पेन और दूसरी हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है।
और इंडिया में बुरी आदतें जैसे सिगरेट्स और टोबैको कंजम्पशन और नशीले पदार्थ जैसे शराब वगैरह का सेवन चौथी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है इंडिया में हार्ट रिलेटेड डेथ का। और WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से टोबैको स्मोक करना मेन कारण है हार्ट रिलेटेड डेथ का। और सिगरेट में मौजूद केमिकल्स जैसे लेड, अमोनिया, निकोटीन, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी वजह से ब्लड वेसल में सूजन आती है जिसकी वजह से कई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। पर आप जानकर हैरान होने वाले हो कि एक डेटा के हिसाब से इंडिया में 267 मिलियन लोग धूम्रपान करते हैं और इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट टोबैको यूजर है चाइना के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी हार्ट डिजीज के बिल्कुल मुंह के करीब खड़ी है। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी अपने को हार्ट अटैक के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत ही उसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेकर जाएं। और अगर आपको लगता है कि किसी डॉक्टर के पास या एम्बुलेंस वगैरह आने में देर लग रही है तो आप ये फर्स्ट एड हार्ट अटैक के दौरान यूज कर सकते हैं। तो ऑन कॉल आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से एस्पिरिन या फिर नाइट्रोग्लिसरीन जैसी ड्रग प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। एस्पिरिन आपकी ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है और हार्ट अटैक के दौरान लेने से ये आपके हार्ट डैमेज के रिस्क को भी कम कर देता है। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा या अनकॉन्शियस हो गया है तो उसे CPR दे सकते हैं जिससे ब्लड फ्लो बना रहे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि CPR कैसे दिया जाता है तो CPR की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। पर हार्ट रिलेटेड इशू का कारण भले ही कोई भी हो, इसका सलूशन क्या है? भले ही आप हार्ट रिलेटेड रिस्क को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते पर कुछ एहतियात बरतने से इसका रिस्क काफी हद तक कम जरूर हो सकता है। जैसे अपने स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप कोई हॉबीज या फिर अपने पसंद के स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट को लिमिट कर दीजिए और कोशिश करके व्हाइट रिफाइंड शुगर अपनी डाइट से पूरी तरह अवॉइड करिए। और अगर आपकी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी की कमी है तो कोशिश करके अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, जैसे मोटर व्हीकल की जगह साइकिल और कम डिस्टेंस वाली जगह जाने के लिए वॉकिंग करने की कोशिश करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है हफ्ते में 3 से 4 बार 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हार्ट डिजीज की अवेयरनेस के लिए वीडियो को शेयर करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।